इसको कहते हैं शहर जाम करना। हर जगह पे जाम जैसी स्थिति है, भीड़ अंदर भी खूब है और बाहर भी लोग निकल के आने शुरू हो गए हैं। आखिर में रैली नहीं हुआ करी, देखे सारे रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो तोड़ने ही थे मेरे भाई। काम में इतने कर रखे हैं, ठोस काम करके हैं देसवाल साहब ने, बहुत ही बढ़िया आदमी है, सारा हल्का इन पर राजी है। भाई साहब ये रंग हल्का लगाता है और हल्के की जब कोई अनदेखी करता है तो हल्का जागरूक हो करके अपना कार्य करने में कभी नहीं चूक। एक बार अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा ड्रोन से। तब हाँ खूब भीड़ है जी, भीड़ भीड़ आपने देखनी नहीं जी। MLA बनेगा जी, और MLA तो फिर मंत्री बनेगा सीधा। इलेक्शन क्लियर हो गया जीत का। हाँ जी एक तरफा, एक तरफी जीत होगी। अज्जे कह दिया, अज्जे कह दिया। पब्लिक का देख लो आप, रुख देख लो सारा पब्लिक का। बहुत बढ़िया रहा जी, कि मैं बात पूरी बनाएंगे जी, पूरी बनाएंगे, पूरी बनाएंगे जी। 14 में बना था ना, 14 से बढ़ के बनाया। पानी पत रोड से जो अंटा से लेकर के खानसर चौक तक जाम था, मैं पानीपत रोड से आया था। सफेदों की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोग्राम है इस टाइम का। 70-30 कांगड़ा जी। अच्छा, पिछले से ज्यादा भीड़ थी जबकि बार, पिछले इलेक्शन से ज्यादा भीड़ थी जबकि बार 2014। हाँ जी। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। इस वक्त मैं हूं भाई सफेदों में। आज जसवीर देसवाल के द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया गया है। मैं यहां की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि इसके नामांकन में कितनी भीड़ पहुंची है और पल्ले कितना है जसवीर देसवाल के। पहले मैं आपको दिखा दूं भाई, ये मंडी का गेट है। यहाँ से ट्रैक्टर अगर आप जाओगे जो नहर पुल है वहाँ तक ट्रैक्टरों की लाइन लगी है। और अब इससे आगे की चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। और बस आप लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी देखते जाओ। पहले देखो भाई, मंडी के अंदर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है, आपको कहीं पे कोई दूसरा साधन आने जाने की जगह नहीं मिलेगी। पहला सीन तो यही है। आप नज़र डालो भाई, जहाँ पे भी गाड़ियाँ देखोगे, इसको कहते हैं शहर जाम करना। हर जगह पे जाम जैसी स्थिति है, भीड़ अंदर भी खूब है और बाहर भी लोग निकल के आने शुरू हो गए हैं। अब लोगों से हम बातचीत की कोशिश करेंगे और साथ के साथ आप देखोगे कि शहर में आप जिधर भी देखो उधर ही आपको भीड़े भीड़ दिखाई देगी। आ तो ठाडा ठोक दिया भाई साहब ने। बिल्कुल जी। हाँ जी भाई, ठीक है। तो ठाडा ठोक दी मंडी। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में रैली नहीं हुआ करी, देखे सारे रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो तोड़ने ही थे मेरे भाई, तोड़ने। चलो भाई, एक बार पहले मैं थोड़ा सा अंदर की तस्वीरें दिखा दूँ जो आप लोगों को शायद देखना जरूरी भी है। हाँ जी साहब, क्या हाल है? आज तो रंग ला दिया भाई साहब। ये रंग हल्का लगाता है और हल्के की जब कोई अनदेखी करता है तो हल्का जागरूक होकर के अपना कार्य करने में कभी नहीं छूटता। नहीं जाल पड़े टेंट में जगह ना ओलिया ना। चलो भाई, एक बार अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा ड्रोन से, तब तक हम लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। हाँ जी, के देख लिया? के देख लिया जी, वो देख लिया। आया मजा के? हाँ खूब मजा जी। के खास लगा? ये देख लो पब्लिक ने के खास है। एक दी भीड़? हाँ खूब भीड़ है जी, भीड़ भीड़ आपने देख ली नहीं जी? जी लग गया कुछ? हाँ जी लग गया जी, मारा तो जी लग गया। के ब्योंत लग गया के रहेगा? अरे डर जाओ के तोड़ो रिया जान की। MLA बनेगा जी, और MLA तो फिर मंत्री बनेगा सीधा। के ब्योंत लग गया भाई, रैली देख बढ़िया है जी। ब्योंत विधायक जी जीते बैठे हैं वैसे। इलेक्शन क्लियर हो गया जीत का। हाँ जी एक तरफा इलेक्शन है, चमक तगड़ी होगी। हाँ एक तरफा इलेक्शन जी। कांग्रेस वाले का क्या होगा? कांग्रेस वाले का क्या होगा? वो तो देखो वो देखेंगे। हाँ जी साहब, एक तरफी जीत होगी, एक तरफी जीत होगी। अज्जे कह दिया, अज्जे कह दिया। पब्लिक का देख लो आप, रुख देख लो सारा पब्लिक का। काम में इतने कर रखे हैं, ठोस काम करके हैं देसवाल साहब ने, बहुत ही बढ़िया आदमी है, सारा हल्का इन पर राजी है। बिल्कुल क्लियर है इनकी जीत। ठीक लग गया? हाँ ठीक है जी, जमा अब बहुत अच्छा है जी। चलो भाई कुछ और लोग आप। हाँ भाई, किसा रहा? हाँ जी किसा रहा? बहुत बढ़िया रहा जी। कि मैं बात पूरी बनाएंगे जी, पूरी बनाएंगे, पूरी बनाएंगे जी। जीत है जी, 100% जीत है। कुछ और लोग अभी पूछा है भाई, किसा किसा खांसी में उलझ रहा है? वाह जी वाह जी, खांसी कर रहा होगी, खांसी तो रहा करागे।
के ब्योत ला गया तू दे तू बता दे ठीक से अपना बता बहुत बढ़िया जी एकदम फर्स्ट क्लास मजा आया कि पिंड जी ओके कल वाली में भी था तू आज वाली में भी मैं कल वाले में भी दिखा था सिंह साहब क्या लगा माहौल बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया ये तो जो आज बन लिया ये तो जो 14 में बना था ना 14 से बढ़ के बनाया सर जाम कर दिया आज तो बहुत छह किलो जामने तक मैं पानीपत रोड से आया था पानीपत रोड से जो अंटा अंटा से लेकर के खान सर चौक तक जाम था मैं पानीपत रोड से आया था भाई कोई कालवा जामने कहाँ से आए भाई बहादुरगढ़ से आए जी कितने के लोग आए हैं और कौन कड़ा था आए हैं ये भी जानने की हम लोग बातचीत करके कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी देशवाल साहब के ब्योत रहा आशीर्वाद है जी आप लोगों का बहुत बढ़िया है कुछ मजा है मजा बढ़िया जी अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम है आपने देखा होगा सफेदों की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोग्राम है इस टाइम का मेरे ख्याल में पिछला जो 2014 उससे भी बड़ी भीड़ हो उससे भी ज़्यादा भीड़ है जी इस बार बहुत बड़ी भीड़ है आपकी बार हाँ भाई जीतेगा यो तो सुन तो ले गजब है जी गजब भीड़ है जी कौन सा काम पिलखड़े सुपिल गांव से आया पिलखड़े से पढ़ दिया भाई मौसा जी के साथ माई हां वाह 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 भाई चलो कुछ और लोग का भी पूछा कौन के कहना चाहो है आ जाओ भाई के रहा बढ़िया जी प्रोग्राम ठीक था हाँ जाके मुकाबले में आवेंगे मुकाबले में मन तो ज़्यादा लगा जी हाँ मुकाबला ज़्यादा का जी कम का नहीं है हाँ ज 70-30 का आंकड़ा है जी 70-30 का आंकड़ा है जी अच्छा से ज़्यादा भीड़ थी जबकि बार पिछले इलेक्शन से ज़्यादा भीड़ थी आपकी बार 2014 हाँ जी उससे अच्छा माहौल होगा आपके बार कारण के लगे भाई इस माहौल का इस काम याद आओ जी सबका काम याद आओ जी सबका पिछले बार भाई कौन आदमी छोड़ सका लो और इस जसवीर जी का उठा लो जसवीर देशवाल जीतेगा जी अच्छे वोटा जीतेगा पांच ही काम करे थे दावा तो यहाँ दूसरे भी कर रहे हैं यूए क्यों जीतेगा दावा कर रहे हैं जी सभाष ने क्या कर रहा सड़क भी टूटी पड़ी है जी है जसवीर देशवाल निर्दलीय बनाकर भाई युट रहे था क्यों छोरा एनडी है बता दे भाई अरे डर जाए एक बार न्यू थोड़ी आदमी है बता दे बेटा के लाग गया के सही लाग गया जी बहुत सा लाग गया है अब ब्योत ना और रिश्ता फालतू के ब्योत होगा देख यार दिखा चंगा की थे ठीक है सुना बुलाद भाई साथी साथी बताइए के लाग गया है एक बात बताऊं झूठ तो कदे बोलिए नहीं आपने मेरा बचपन तय जानो साची तो मैं कि मैं कहूँ आप कि मैं कहोगे आप पत्रकार हो हर रैली के अंदर हर नेता के पास उसके विचार उसके पेट की आंत नहीं आंत ने छोड़कर एक बात निकाल लो आप बताओ मारे को तो हमको आपसे पूछना चाहूँ किसकी जीत होगी किसका मोल है पहली बात तो अपने की कहेंगे दूसरा अपने की कहेगा रैली में सिर देखे जब सिर देख के कि मैं रौनक होगा बस याद आने बेरा है भी कितना खुशी है खुशी एक आठती जाम है आठती ट्रैक्टर पहुंचे नहीं है पानीपत रोड साइड में पूरी जाम है देख सकते हो मैनेजमेंट कच्चा रहा है वो आने में जाम में दिक्कत हुई ना ज्यादा बढ़िया बात है सब कुछ ला क्या सही प्रोग्राम है बढ़िया जमा बहुत बहुत बढ़िया सारे लोग खूब चल रहे हैं आप क्या मशीन में हो रहे हैं एक बात है भाई इतना ठाडा पेट रूसे ठाडी पगड़ी दोनों ठाडे हम तो जसवीर वीर में भी मजा आया राम राम भाई और ठीक हो मजा आया बहुत बिल्कुल जमान नजारे आ गए जी इसा माहौल तो हमने कदे भी नहीं देखा जी सही जींद सोनी आई थी जब भी भीड़ देखो सर भीड़ बताएगी जनता जनार्दन है दिन आई थी जब भी कौन था इसा माहौल तो मेरे अरे और ये मतलब हमने चाहिए बोलनी है आज कोई भी चंडीगढ़ कोई भी मतलब मुद्दा नहीं उठाया है सुभाष ने गूंगा नहीं चाहिए गांव के लिए दो आदमी रखे भाई गांव के लिए दो आदमी रखे उनका फोन कराना पड़े कुछ काम हो तो जमुए नाइट जाऊं वोट कौन एरिया कुछ काम नहीं यार है यार तो खुला दरबार है चल रात नाव कोड्डे उठा लो भाई ना कने किसे टाइम आओ अपना घर जसवीर जी बहुत बड़ी आदमी है और खुला दरबार है कोई मिलो गरीब तो गरीब और अमीर तो अमीर और जो मान लो सुभाष देशवाल था पहले वो गूंगा आदमी है ना तो वही बात है गांव के लिए दो आदमी रखे उनके थ्रू काम हुए हैं और इसके गल तो कोई आदमी चाहे आधी रात न मिल लो मिलने के लिए तैयार है सबकी सुना है
बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत 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 बढ़िया वोटा जीतेगा। कह रहा है सेंटर में रहते सफेदों सारे गाँव के किसी टाइम आओ आप आधी रात ना हो तभी मिलेंगे सुनवाई हो जाएंगे क्या जी सुनवाई हो जाए उसी टाइम जी। एक बात बताओ कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आंधी थी कैसे में नुकसान नहीं होगा अगर इन्हें कांग्रेस में तो जी पे फूट है कांग्रेस की कांग्रेस में फूट है यहाँ तो सफी धोलकर ने एम एल ए चुन दिया चौधरी जसबीर देसवाल 8 करोड़ तक ट्रैक्टर जाम है हजारों करोड़ का विकास कराया है काम देखो सर 2014 में जब ये विधायक बने हमारा हल्के में हजारों करोड़ का विकास कराया है ईमानदार व्यक्ति है साफ छवि का है तो आज ये पब्लिक ने साबित कर दिया किसी को मीडिया कवर करने लग रही है जन समूह है यू कोई रैली थोड़ा है रेला है यू पगड़ी तो ठाडी बांधी इसी ठाडी सी साची सी बात बताइए के ब्यों तला गए जमा ठाडी बरदा जी डोलने कोई दिक्कत नहीं है जो कर पगड़ी बांधी है अगर डोलने ठाडा भर देंगे हाँ भर देंगे भैया चिंता मत करें कोई चिंता ना करें चलो भाई भीड़ लगातार आप देखा है तो खूब बढ़िया लाग्या बीड़ी का सुट्टा हाँ जी हाँ ठीक ठाक बढ़िया लाग्या ब्योंत के लाग्या ब्योंत बढ़िया लाग्या जसवीर देसवाल महंगो जा ले भाई छोरे छोरे ट्रैक्टर की लाइन ला के आ गए हैं सुना दे ठीक है के रहा बढ़िया एक नंबर का प्रोग्राम है रौनक आई मन में रौनक बहुत है जी दस जगह काम है। चलो भाई मोटरसाइकिल लेके आया अपनी और मतलब आग लगा तेल भी नहीं जलवाना क्यों जलवाना अपने तो साथ नहीं रहा तो तेल अपने फूक कहीं दूसरे क्यों फूक कहीं क्यों जी देशवाला हैं जी हाँ जी ये भरकर रखा है दिल तो आ रहे हैं बिल्कुल जी इलेक्शन है अपना है हाँ इसके देशवाला का क्या रहेगा ये कह तो है देशवाला हैं देशवाला की दौड़ जाओगे देशवाला की दौड़ जाओगे एमएलए बनेगा तो कितने भी जाइए फिर कोई सी सरकार आप समझाओगे मैं नहीं पूछू इसके देशवाला वोट की दौड़ देंगे वोट तो अपने देंगे देशवाला ने वो तारा अपना नहीं कौन सा वो दूसरा कांग्रेस वाला वो पाछे बनाए देते किसने बनाओगे और पक्की तो देशवाला ने कह दी सर जी काम तो जो करवाए हैं जसबीर जी ने मेरे ख्याल में तो आज तक जितने भी एमएलए यहाँ आए हैं ना शहीदों में शहीदों का इतिहास रहा है जितने भी विधायक आए हैं ना चाहे मंत्री भी रहा जिस तरह ये अपना रामकृष्ण बिरागी भी था पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था किसी ने भी इतने काम नहीं करवाए जितने जसबीर सिंह से बने हैं बाढ़ दिया सुना दे कुंडू साहब बिल्कुल ठीक ठाक जी खेल आ गया आज का माहौल जी ये तो एक तोब है जीते तोब हल्के की ये तो एक अच्छी वोटों से जीतेगा इसका आगे तो सारे छोटे हैं हाँ के जाट समीकरण के क्या है तू तो लोगों के बीच में रह नबज भी जाने जाट का ऐसा है जी ईब जाट अदो आद दोनों पर हाँ आज आए हैं सारे हाँ जी खूब कड़ुआ से ट्रैक्टर 45 ट्रैक्टर कड़ुआ से थे अच्छा। और गड्डी अलग थी कुंडू लिकड़ का है खूब सिस्टम है जी बिल्कुल को खतरा वाली बातें को नहीं दे दोगे भूल करिए जी इनको टिकट ना दी ये पछता लेंगे हाँ जी पर नाले हो के सुन का है ठीक सुने ठीक है देशवाल साहब के कहे देशवाल साहब देशवाल साहब फार्म भर गए इलेक्शन लड़ांगे डट के जीत जाएंगे जीत हार का केला जीत जीत तो गणी वोटा दा जीत से हाँ मतलब है नहीं इस बार विधायक भाई साहब कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे सफेद दम आपके बाद ताली हाँ जी शर्मा जी मुआना से हैं अच्छा और लगभग 250 ट्रैक्टर जीप कार और मोटरसाइकिल देशवाल साहब ने काउंटिंग करी थी वीडियो भी है मेरे पास 2014 में हम 130 गाड़ी लेके आए थे अब की बार 250 कार और जीप लेके आए हैं ट्रैक्टर भी हैं बाइक भी है एक तरफा जीत है सर मजी एक तरफा कांग्रेस वाला तो मुआना पर तो मुंह धो रहा नहीं सर पेट्रोल पंप वाले का नंबर दे शर्मा जी का राजेश जी का उससे पूछो उसकी 57 कल मोटरसाइकिल समेत 57 व्हीकल थे और हमारे 250 हैं आज अब आप अंदाजा लगाओ कि किसके ज्यादा है आ जाओ वैसे लकड़ी वाले ना सुना दे साहब एक बार रुक जा कैमरे में आ जाओगा नहीं तो एक बार रुक जा सुना दे सर जीत पक्की कर जाएगी कर्मचारी है ठीक नहीं ना ना ठीक हम नोले जीत पक्की कर रखी है दो से भी कल हम अपने काम में चले रहे हैं दो से हम अपने काम में चले रहे हैं ये जो शिविर का नहीं ये जनता का इलेक्शन है हाँ
सफीदम लक्का की जनता का इलेक्शन है, यो काफी वोटा 20,000 वोटा जीत कर निकलेगा। सुभाष तो इसी की दिक्कत होगी, एकदम सारे दिक्कत होगी। पहले गेड़ा सारी जनता ने रोक क्या था, पूरा सफीदम लक्का ने एक मिनट पूरी जनता ने बैठा दिया था, बैठ गया था आराम था, उसकी सपोर्ट भी थी। ईब उसको चाहिए ना, उसको ये कहना चाहिए था भाई ईब कई बार टिकट हुई जब आ भाई तस्वीर, ये बात भी है कि पक्का 10 आदमी 2,500 दरवाजे में बैठ गए, पूरी लाइन खींच के गए थे। अब की बार सुभाष और अगली बार आप हो जी, ईब कहाँ गए हुए? सुभाष ने खुद सोचना चाहिए था ने, तो सुभाष से हमें नाराजगी नहीं कुछ भी, बिना सरकार रहा बेचारा कर भी गेट गया था, परंतु जबान बदो खड़ा होना चाहिए था, नहीं हुआ ने, ये बात जनता इलेक्शन है सफेद मलका कोई अगर अगर मगर की कोई जरूरत नहीं है, काफी वोटा दागे है। गांव सोहना माल से धर्म सिंह कश्यप, तो हमारे इसने गंगोली वाले ने सुभाष ने कुछ नहीं किया, और जगबीर ने पिछले प्राण में थे, और अब भी फिर भी हम इसके साथ में हैं, और इन्होंने गरीबों का बहुत किया है, अब की बार फिर हम ऐसे उम्मीद रखते हैं फिर भी ये करके दिखाएंगे। विधायक जी तो कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत काम करा भाई, हाँ जी किया है, बिल्कुल किया है जी, बिना विधायक भी करते हैं, जहाँ विधायक ना होते भी काम हम काम करें, बिना विधायक होते भी ने कई काम आए, जो गली सड़क बनवा के आए हैं अपने दम पर। बिजली आया करती हमारे गांव में, इतनी बिजली आया कौन सा गांव में? बड़ोद में। तो इसने बढ़ के 6-7 साल बड़े बिजली का लखला दिए, शुक्र देखो सारे काम बढ़िया कर, बिजली भी चल रहा है, खूब आवा है, सड़क बना लीजिए, अपना कौन सा एरिया है, सारा कुछ है। नेड़े नेड़े ना जाओ, सुनाओ। मैं तो ठीक हाँ, की लगा रैली देख के? बहुत बढ़िया, जीत पक्की है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, सारा सफेद दो जाना है, कौन नहीं जानता, सारे जाने, लोग दिल से इनके साथ हैं, ये लोगों के साथ हैं। सिख वोट को लेकर के दावा कांग्रेस कर रहा है कि भी ज़्यादा कांग्रेस के साथ है, मतलब सुभाष के साथ जाएगा, तो ऐसे में क्या है? तो कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, सारे वोट थोड़ी उधर जाएंगे, देसवाल साहब के साथ भी इतने लोग हैं, आज देख ही रहे हो, इसमें तो कुछ दुराह नहीं है, देख ही रहे हो आप। हाँ ठीक था मामला है। हाँ बहुत बढ़िया, आपने देखा नहीं, मन खुश होया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ले भाई हाँ झंडाले सुना दो भी ठीक ठाक, कौन सा काम था है? मैं चरा खुरुज का झंडा केला लेके जाओगे यानी में लाड़े दर जागे झंडा ना संदूक में टेक का किसा लागया आ गए ठीक लागया जमा बड़ी आप फल प्रोग्राम है जमा बढ़िया। हाँ जीत जाएगा? हाँ जीत जाएगा महाराज, बताओगे ठीक ठीक तो केला गया इनका मैं क्या बन गया नुके बन गया है बन गया अच्छा लग गया बन गया हैं ईसा क्यों तस्वीर क्यों लग गया अब भी वही बन गया चिंता कल्ला लग गया अच्छा इतने बोल रखा था तभी कोई नहीं इसका शर्मा जी सुनाओ ठीक है सुनाओ साहब के रे आज की बात आज भाई साहब प्रोग्राम देख के एक तरफ ले रहे तस्वीर देसवाल हमारे आने वाले भावी उम्मीदवार और देसवाल विधायक जो पहले 2014 में रिकॉर्ड तोड़ा था ना अब 2024 में रिकॉर्ड तोड़ के दिखावांगे झंडा पक्का हाथ में नहीं है झंडा पक्का हाथ में नहीं है दिल में है यू हाँ जंग छात पर लाऊंगा हाँ जसबीर में लाड क्यों भाई जसबीर में लाड नहीं हुआ जी एक बार मैंने फोन कर दिया थोड़ा काम था फोन था नहीं 5 मिनट में उल्टा फोन आ बोला के काम है माँ जी एक एसपी तो काम है डायरेक्ट फोन किया सोनी पता एसपी में बोला यू मेरा भतीजा आज का काम कर दे जान दे बुला लिया भीतर इतना लाड है जी नहीं तो भीतर भी कौन बढ़ने देते मेले तो हमने हाँ इतना लाड कोई ना बढ़ने भीतर जी न्यू कौन रोका था रोके हैं और कुत्ते ही बन डरते हैं हाँ कौन बांधा था कुत्ते मेले आ रहा है अच्छा ये कदा 12 बनने का बना देंगे जी हाँ ठीक है हाँ जी साहब आप बताओ सामने आ जाएगा बेटा जसवीर के साथ जसवीर के साथ कच्ची ही बात लागी विधायक तारे गांव का विधायक को गांव का जिता कर भेजेंगे
तो गणी ठाडी बात, मेरा जतन सिंह न्यू को नहीं ना, सांसद भी ओढ़ेगा, विधायक भी ओढ़ेगा, सारा एक मंत्री प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे आज हो, हमने जब भी तस्वीर को बनाना है बनाना है गंगोली फाइनल। हाँ बड़ा काम है, बतड़ा लिए कि नहीं बतड़ा लिए, कहीं पे लाड अपना अपना हो ना, बतलाना है कौन? मेरे परिवार के दोनों गांव में 100 वोट हैं, 100 के 100 तस्वीर के हुए। सुना देवी ठीक है, पहचान लिया, चाला पार दिया। अच्छा की लागे आज आके यार? आज तो हम तो तस्वीर का कहाँ आएंगे भी, तस्वीर का कहाँ आएंगे, मैं तो फर्क है बात का, तस्वीर का मोल जी पूरा जीत जाओगा बिल्कुल जमा, पूरा एक तरफा जीत, बीजेपी कांग्रेस बच्चन सिंह आ रही है सब जीरो, किसी का कोई खाता नहीं। ना 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 आ जाओ भाई, यहाँ तो भाई चाड़ा पाड़ रहे हैं, न्यू का एक तरफा जाओ मामला, बिल्कुल जाओगा जी, बिल्कुल जाओगा, मोल ना देखा जाओगा, हम पब्लिक सबके गले लागे रहे जी, तो पब्लिक मौका ही नहीं दी, क्या चीज़ है जी, जब सुषमा स्वराज की बाण रह दी थी ईवीए क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, एक तरफा जी जीत। तो भैया जसवीर देसवाल की रैली के बाहर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों में हौसला तो खूब है, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आज लोग आए हैं, जिस प्रकार से आज भीड़ आई है, उससे इतना जो तय हो गया है कि चुनाव जसवीर देसवाल जीत रहे हैं, लेकिन समय है अभी 20 दिन का बीच में समय है, देखते हैं कितने रंग चुनाव बदलता है, या फिर जो आज लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो कहानी ऐसे ही बनी रहती है। देखते रहिए सत्य खबर, क्योंकि सच आपके लिए जानना भी ज़रूरी है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।